गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज डेट है 21 जुलाई 2020। अब से आप लोगों की जीके की क्लास लगेगी। अभी तक कंप्यूटर की लग रही थी, तो अब वन वीक आपकी जीके की लगेगी, क्योंकि उसमें वन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो ये है फोर्थ की कंप्यूटर की बुक, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका देखो वन वीक में अगर यूनिट वन कम्प्लीट हो जाए तो। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी आप लोगों को नोटबुक में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो जितना भी मैं अभी बताऊंगी ये सब आपको बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है आवर ग्रीन फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है ये देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये आपको फिल करना है। यहाँ पे प्लांट्स, ये आपके फ्लावर्स वगैरह दे रखे हैं, मैं आपको उसमें बता देती हूँ किस तरीके से। फर्स्ट आपका जो दे रखा है, इज अ स्मॉल ग्रीन और ब्लैक फ्रूट विद अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट, इट्स ऑयल इज यूज्ड इन कुकिंग। ऐसा कौन सा फ्रूट है जो क्या कहते हैं इसमें, जिसको तेल के लिए यूज़ किया था, जो हमारे कुकिंग यानी खाने के लिए यूज होता है, वो कौन सा आपका ऑलिव, ऑलिव ऑयल होता है, आपने सुना होगा आप लोगों ने। डैश ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स, ऐसा कौन सा पेड़ है जो क्रिकेट बैट बनाने में यूज होता है, वो होता है आपका विलो ट्री, ठीक है ना। डैश इज द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट वुड, यानी ऐसा वर्ल्ड में कौन सा वो है, लकड़ी है आपकी जो सबसे सॉफ्ट और सॉफ्ट होती है और लाइट वेट में भी होती है, तो वो आपकी क्या है, बालसा वुड, ठीक है। डैश इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रीज इन द वर्ल्ड, इट कैन रीच अ हाइट ऑफ 250 feet, यानी ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी हाइट 250 feet होती है और बहुत तेजी से वो ग्रो करता है, यूकेलिप्टस, ठीक है। डैश इज अ प्लांट दैट ईट इंसेक्ट्स, यानी ऐसा कौन सा प्लांट यानी ऐसा कौन सा पौधा है जो इंसेक्ट खाता है, वो होता है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, मेजरिंग अबाउट 1 meter, सबसे बड़ा फ्लावर वर्ल्ड में जो आपका 1 meter में, मतलब 1 meter का होता है मेजरिंग में, रिफ्लेशिया। डैश इज द लार्जेस्ट सीड ऑन द अर्थ, कोकोनट, सबसे लार्जेस्ट जो सीड बीज होता है आपका उसमें होता है कोकोनट। वी कैन नो द एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग द इनसाइड द ट्री ट्रंक, ये आपका है रिंग्स। डैश आर द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका ट्रीज। डैश इज द वर्ल्ड्स टोएस ट्रीज आपका टी, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आ गया, को ये आपको इस तरीके से पूरा फिल करना है बुक में, नोटबुक में अभी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आपको बुक में फिल करना है, उसके बाद मैं आपको दूसरे दिन नेक्स्ट डे आपका आगे वाला चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू।